सोनभद्र के मयूरपुर कस्बा में चल रहे श्री राम मंचन के छठवें दिन गांव के कलाकारों ने धनुष यज्ञ का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया। इस दौरान कलाकारों की प्रस्तुति देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि लगातार बारिश होने के कारण भी दर्शक जमे रहे। मंचन के दौरान देश देश से आए राजा गणों की बंदी जनों ने जनक जी का वचन बताया। उन्होंने कहा कि जो इस शव धनुष को तोड़ेगा वही माता सीता से नाता जोड़ेगा। राजा जनक का वचन सुनकर देश देश से आए भांति भांति के राजाओं ने शिव धनुष तोड़ने का प्रयास किया, पर किसी राजा ने धनुष को तोड़ना तो दूर, उसे हिला भी नहीं सके। इस दौरान रावण भी स्वयंवर में आता है और शिव धनुष को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो देवताओं में खलबली मच जाती है। तब एक आकाशवाणी होने के कारण रावण पुनः लंकापुरी को लौट जाता है। जाते जाते भरी सभा में रावण एक प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि एक बार सीते तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। वहीं राजाओं के धनुष ना तोड़ पाने से जनक जी चिंतित हो जाते हैं। उनका चिंता गुरु विश्वामित्र मिटाते हुए प्रभु श्री राम को निर्देश देते हैं कि गुरु की आज्ञा पा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धनुष को तोड़ जनक जी का शंका मिटाते हैं। जैसे ही शिव धनुष टूटता है, जय श्री राम के नारों से पूरा गांव गूंज उठता है। इस दौरान तमाम कलाकारों ने प्रभु श्री राम का माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।